नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में। आप देख रहे हैं मेरा देश मेरा प्रदेश और मैं हूं आपके साथ अंकुश वासव। और बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जेडीए आखिर क्यों हुआ बेबस, ये सवाल उठ रहे हैं। दरअसल जेडीए के पूर्व एडिशनल कमिश्नर को न्यायालय में शरण लेनी पड़ गई है। पूर्व एडिशनल कमिश्नर ने खुद न्यायालय में पेश होकर नियमों की दलील दी है। भवन विनियमों का उल्लेख करते हुए कहा कि जेडीए ने गलत नक्शा स्वीकृत किया है। ट्रिब्यूनल कोर्ट ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अब आदेश दिए। सुमेर नगर ए ब्लॉक में बहुमंजिला निर्माण पर स्टे यानी कि यथास्थिति के आदेश दिए गए हैं। आदेश और इसके साथ ही जेडीए सचिव से स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। पीआरएन साउथ के सुमेर नगर विस्तार एफ ब्लॉक में बन रही बहुमंजिला बिल्डिंग से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है और न्यायालय से पूर्व एडिशनल कमिश्नर ने सुमेर नगर एफ ब्लॉक को लेकर शिकायत की थी। रिटायर्ड आरएएस अफसर की शिकायत पर जेडीए अफसरों ने कार्रवाई की यहां पर नहीं की थी। और इतना ही नहीं बल्कि आपको बता दें कि जेडीए अफसरों ने आरटीआई के तहत सूचना तक नहीं दी। उक्त बहुमंजिला परिसर के नक्शे भी जेडीए वेबसाइट पर अपलोड नहीं किए गए। जेडीए अफसरों के उक्त व्यवहार को लेकर यहां पर जो आरएस अफसर है वो क्षुब्ध थे और पराशर ने जेडीए अफसरों की मिलीभगत में लिप्तता के खिलाफ ये शिकायत दर्ज करवाई थी। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या जेडीसी आनंदी उक्त गंभीर मामले में जांच करवाएंगी, ये बड़ा सवाल है। तो जेडीए को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं जेडीए के अफसरों पर, जेडीए के कार्यशैली पर। और इसी बीच ये एक और बड़ा मामला सामने आया है कि आखिर जेडीए जो है वो बेबस क्यों नजर आता है। जेडीए के ही पूर्व एडिशनल कमिश्नर को न्यायालय में शरण लेनी पड़ गई। पूर्व एडिशनल कमिश्नर ने खुद न्यायालय में पेश होकर नियमों की दलील दी है। उनका ये कहना है कि भवन नियमों विनियमों का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि जेडीए ने गलत नक्शा स्वीकृत कर दिया है। अब इस पर ट्रिब्यूनल जो कोर्ट है और ट्रिब्यूनल कोर्ट ने दोनों पक्षों की सुनवाई यहां पर सुनी और उसके बाद आदेश जारी किया है। स्पष्टीकरण भी मांगा गया है पूरे मामले को लेकर। दरअसल जो पूरा मामला है वो सुमेर नगर एफ ब्लॉक में बहुमंजिला निर्माण पर दिए गए स्टे को लेकर है। अब इस स्टे के आदेश जो है वो यहां पर दिए गए और इसके साथ ही जेडीए सचिव से स्पष्टीकरण मांगा गया है। पीआरएन साउथ के सुमेर नगर विस्तार एफ ब्लॉक में बहुमंजिला इमारत बन रही है, इसी को लेकर ये पूरा मामला है। और पूरी जानकारी हम ले लेते हैं इस मामले को लेकर। राम सिंह राजावत हमारे साथ, हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। राम सिंह, सबसे पहले ये पूरा मामला क्या है, विस्तार से आप तो जानना चाहेंगे, और आखिर जेडीए जो है वो इतना बेबस क्यों नजर आता है हर एक मामलों में। देखिए, ये जयपुर विकास प्राधिकरण में पूर्व में एडिशनल कमिश्नर रह चुके हैं गिरीश पाराशर, वो पृथ्वीराज नगर जोन के भी एडिशनल कमिश्नर रहे हैं। लेकिन उनके मकान के पास में सात मंजिला बहुमंजिला जो बिल्डिंग बन रही थी, तो उन्होंने नियमों की जानकारी ली तो पता लगा कि जिन कॉलोनियों में पार्क आदि फैसिलिटी नहीं है वहां बहुमंजिला परिचर अनुज्ञेय नहीं है, परमिशन नहीं है। लेकिन अधिकारियों ने मिलीभगत के चलते नक्शे पास कर दिए, तो उन्होंने बाकायदा जयपुर विकास प्राधिकरण में शिकायत दर्ज कराई कि साहब ये गलत हो रहा है। तो आप ये देखिए, अधिकारियों ने 3 महीने तक कोई कार्रवाई नहीं करी, तब उसके बाद वो न्यायालय में गए और न्यायालय को अवगत कराया कि साहब ये जेडीए के अधिकारी बिल्डर से मिलीभगत करके बड़ा खेल कर रहे हैं और आम लोगों के जो सुविधाएं हैं और उनका हक छीना जा रहा है। तब न्यायालय ने दोनों पक्ष सुनाई के बाद में स्टे दिया इस बिल्डिंग पे कि निर्माण नहीं हो सकता। आप ये देखिए, अधिकारी के जो जेडीए में तत्कालीन एडिशनल कमिश्नर है उनको जेडीए अधिकारियों ने आरटीआई में सूचना तक नहीं दी। इससे बड़ा जेडीए का जो गंभीर मामला है तो आम जनता के साथ कैसा सलूक होता होगा। और दूसरा, इस बहुमंजिला बिल्डिंग के जो नक्शे हैं वो अपलोड तक नहीं किए गए, तो आप मिलीभगत का अंदाजा लगा सकते हैं कि जेडीए अधिकारियों की किस लेवल पे मिलीभगत है बिल्डरों के साथ। उनको सूचना के अधिकार में तक सूचना नहीं दी जा रही और कुछ जानकारी तक नहीं दी जा रही। तो आखिर में न्यायालय ने उनको उनकी बात को सुना और इससे जेडीए की बड़ी किरकिरी भी और फजीहत भी हुई है। आखिर जेडीए एडिशनल जो कमिश्नर रहे हैं उनके साथ भी न्याय नहीं कर रहा, तो आम जनता के साथ क्या उम्मीद है लोगों को। बिल्कुल
बिल्कुल राम सिंह, बड़ा सवाल यहाँ पर उठता है और गंभीर सवाल उठता है कि आखिर जेडीए के ही खुद के विभाग के ही पूर्व एडिशनल कमिश्नर वो रहे हैं और उन्हें ही अगर उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही है, उनकी शिकायत पर अगर कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं अभी के मौजूदा अधिकारी, तो आम लोगों की क्या ही सुनवाई करते होंगे। उनकी शिकायतों को तो ऐसे ही दरकिनार कर दिया जाता होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि बार बार जब जेडीए पर सवाल या निशान खड़े हो रहे हैं तो ऐसे में जो जेडीसी है वो आगे आके जवाब क्यों नहीं देती। क्या इस मामले को लेकर आपकी जेडीसी से बात हो पाई है, उनकी तरफ से कुछ कहना है, कुछ कहा उन्होंने कि कुछ आगे कार्रवाई होगी? देखिए, अब आप ही देखिए, जब न्यायालय ने इस बिल्डिंग पे स्टे दे दिया है, यथा स्थिति दे दी, इसके बावजूद अभी मौके पे निर्माण कार्य चल रहा है जी। न्यायालय के नियमों की पालना नहीं कर रहे। आप अभी देखिए, मिलीभगत का अंदाजा देखिए, अधिकारी किस कदर पर इतने मिलीभगत में शामिल है कि न्यायालय के स्टे देने के बावजूद निर्माण नहीं रोका जा रहा। सबसे बड़ा सवाल ये है। तो आखिर जयपुर विकास प्राधिकरण जो आयुक्त है आनंदी, क्या उनकी नजर में ये मामला नहीं है? ऐसे कई सवाल सामने आ रहे हैं। हालांकि जो एडिशनल जो कमिश्नर पूर्व हैं, जो जेडी में रह चुके हैं, गिरीश पारस ने बाकायदा जेडीसी से भी शिकायत की है इस मामले की गंभीरता से जांच कराएं और दोषी अधिकारियों के खिलाफ तत्काल कदम उठाएं। बिल्कुल, कदम उठाए जाए, लेकिन राम सिंह सबसे बड़ा सवाल तो यही है, जब कोर्ट की पालना नहीं हो पा रही है, कोर्ट के आदेश की अगर पालना नहीं कर पा रही है जेडीए के अधिकारी, ऐसे में वो और बाकी के जो कार्य यहाँ पर कार्रवाई है वो कैसे लेते होंगे। साथ ही जो जेडीसी है, क्या इस पूरे मामले को लेकर कुछ कहने को तैयार है, या फिर जेडीए के किसी अधिकारी ने इस पूरे मामले को लेकर कुछ भी कहा हो, कोई बयान औपचारिक तौर पर दिया हो? देखिए, अभी न्यायालय ने स्टे दिया है और उसकी पालना नहीं हो पा रही, इसका भी शिकायत की जा रही है। देखिए अधिकारी क्या कदम उठाते हैं, आज क्या कदम रहता है। और जो आरएस प्रसाद सिंह हलकों में बड़ा ये सवाल जेडीए की जो अधिकारियों की जो जेडीसी की पारदर्शिता और जीरो टॉलरेंस की नीति है उसकी बखिया उधड़ गई है। ये चर्चा का विषय बना हुआ है। प्रसाद सिंह हलकों में सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर आरएएस अधिकारी जो रिटायर्ड हैं, जो जेडीए में रह चुके हैं, उनके साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है तो आम आदमी के साथ कैसा सलूक होता होगा, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। तो जेडीए अपनी जो है निष्ठा नहीं बचा पा रहा है। आखिर ऐसा क्या कारण है कि मिलीभगत बिल्डरों से ऐसी क्या मिलीभगत है कि जेडीए प्रशासन आम जनता और अधिकारियों की जो निष्ठावान अधिकारी हैं जो जेडी में रहे उनके साथ खड़ा न होकर ऐसे बिल्डरों के साथ खड़ा हो रहा है जो करप्शन में लिप्त हैं, ऐसे बिल्डर या अधिकारी उनके साथ आखिर जेडीए प्रशासन क्यों खड़ा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। बिल्कुल राम सिंह, सबसे बड़ा सवाल गंभीर सवाल है, क्योंकि अब जेडीए जो है वो लगातार सवालों के घेरे में है। लगातार जेडीए के अधिकारियों पर सवाल उठ रहे हैं, मिलीभगत के आरोप लग रहे हैं, लेकिन देखना ये होगा कि कब तक जेडीसी की नींद खुल पाती है और वो इन लापरवाह अफसरों पर, इन भ्रष्ट अफसरों पर कार्रवाई कर पाती है, कर भी पाती है या नहीं। ठीक है राम सिंह, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।